हाय स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जो टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे वो थे व्हाट इज इकोनॉमी, द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन एन इकोनॉमी, स्केयरसिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और जिन बच्चों का मिस हो गया था उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं एंड द टॉपिक इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है, इसको बेसिकली हम सोशल साइंस बोलेंगे, विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें जो हम पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं कि एक सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, हर सोसाइटी के पास, हमने लास्ट में क्लास में भी पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें किस तरह एक सोसाइटी यूज़ करती है, जिनके उन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेज हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, तो उनको किस तरह यूज़ करती है, बेसिकली ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। तो उन रिसोर्सेज को किस लिए हम यूज करते हैं? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आपका रिच पीपल भी हो सकता है, पुअर पीपल भी हो सकता है। तो बेसिकली जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको कैसे हम सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज साइंस तो इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और सोशल साइंस पूरा इसलिए बोला जाएगा बिकॉज स्टडीज ही इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग कैसे, किस तरह के डिसीजन लेता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह की डिमांड होती है उसकी, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली कि इकोनॉमिक स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स, कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट से को लिमिटेड रिसोर्सेज से आप कैसे पूरा करते हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो ये है कि जो पूरा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब पहली चीज़ जो इसमें आती है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है स्मॉल। इसका अगर हम इतना वर्ड ले माइक्रो, दैट मीन्स स्मॉल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो डील करता है बेसिकली विथ बिहेवियर ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी का मीनिंग होता है कि जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं या कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक आदमी की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक कंपनी या फर्म के आउटपुट के बारे में बात करी, या किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के बारे में। तो जब भी हम कुछ सिंगल किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। तो इसमें आप सबको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिंगल पर्टिकुलर एक चीज़ को लिया जाएगा। सो दिस इज इट डील्स विद बिहेवियर ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। और जो मेन टूल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई। ये दो चीजों को हम इसमें देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली
इट इन्वॉल्व्स लार्ज और एग्रीगेट. अगर मैक्रो का मीनिंग जो होता है वो होता है लार्ज, और इसमें हम पूरा एग्रीगेट लेते हैं. मतलब जैसे माइक्रो में आप एक इंडिविजुअल को ले रहे हो, या एक ही कंज्यूमर को ले रहे हो, या पर्टिकुलर एक फर्म को ले रहे हो, इसमें आप एक की बजाय पूरा एग्रीगेट लेंगे और एज अ होल आप लेंगे. तो इट डील्स विथ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनमी. आप इकोनॉमी का एक पार्ट नहीं ले रहे हो, एक कंज्यूमर को या एक फर्म को नहीं ले रहे हो, पूरी इकोनॉमी को ले रहे हो, उसका एग्रीगेट ले रहे हो. और इट स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो होगी आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी. ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. बेसिकली आपका 12th क्लास में आएगा, बट आपको डिफरेंस जानना ज़रूरी है. और एग्रीगेट हम जो इसमें पढ़ते हैं, इसमें और जो पढ़ा जाएगा वो होगा नेशनल इनकम कंट्री की, एग्रीगेट आउटपुट. जैसे आपने माइक्रो में सिंगल आप आउटपुट पढ़ रहे थे फॉर्म का, इसमें एग्रीगेट कंजम्पशन, एक पर्टिकुलर किसी का कंजम्पशन नहीं, पूरा एग्रीगेट कंजम्पशन पढ़ा जाएगा. और जो मेन टूल्स इसके अंदर आएंगे वो होंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. माइक्रो और मैक्रो को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगी, सिंपल एग्जाम्पल से. लाइक अगर आप एक जॉइंट फैमिली ले लें, आपकी ही जॉइंट फैमिली ले लेते हैं, अगर मैं सिर्फ आपको स्टडी करूँ उसमें, लाइक कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी क्या डिमांड्स है, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप कितना खर्चा करते हैं, या आपकी सिर्फ चॉइसेस क्या हैं, आपकी चॉइस क्या है, या सिर्फ आपको ही पर्टिकुलर अगर रीड करा जाए तो वो माइक्रो लेवल होगा. और अगर मैं आपकी पूरी फैमिली को, जॉइंट फैमिली को रीड करूं, जिसमें पढ़ा जाए कि आपकी पूरी जॉइंट फैमिली की क्या इनकम है, सब लोगों को मिला के क्या पसंद है, क्या नापसंद है, सब सबका सब कुछ जो देखा जाए अगर, तो वो एग्रीगेट होता है. तो इसको हम मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे. तो बेसिकली माइक्रो जो है वो एक छोटा पार्ट हो जाता है और मैक्रो एक बड़ा पार्ट हो जाता है, इकोनॉमी एज अ होल हो जाती है. तो अगर आपको इसका डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस में अगर हम देखेंगे तो पहला जो अगर आपको देखना है तो आप यहीं से देख सकते हैं. माइक्रो में जो आई है, इस आई को आप डिनोट कर सकते हैं इंडिविजुअल से, और मैक्रो में ए जो है उसको डिनोट कर सकते हैं हम एग्रीगेट से. तो यहीं पे आपका डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा. तो इन दोनों के डिफरेंस में नंबर वन जो चीज़ हम लेंगे वो होगा मीनिंग. मीनिंग मीनिंग की बात आती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ये बात हमने करी थी. एंड मैक्रो स्टडीज बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. नंबर टू जो पॉइंट जिसके बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे वो है टूल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होते हैं वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एम जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना. और मैक्रो में जो हम डिटरमाइन करते हैं वो होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. और जो एजम्पशन, बेसिक एजम्पशंस हम माइक्रो में रखते हैं वो ये होती है, इट अज्यूम दैट ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, कि मैक्रो के जितने भी हैं वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे. और माइक्रो में हम अज्यूम करते हैं कि जितने भी माइक्रो के वेरिएबल्स हैं, लाइक चाहे हाउस होल्ड हो, प्राइस हो, प्रोडक्ट हो, वो सब कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और जो हम नाम रख सकते हैं वो होता है प्राइस थियोरी. और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम रख सकते हैं वो होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी. बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. इसके रीजंस मैं आपको बता देती हूँ
क्यों ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। नंबर वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज नंबर वन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम जो पूरा एनालिसिस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर का या एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ पीपल, उससे ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड निकलता है कि बेसिकली डिमांड क्या है। वो सब दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ पीपल। नंबर टू, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का अगर हम प्राइस देखते हैं, तो वो भी मैक्रो लेवल पे अगर हम पढ़ेंगे तभी वो हम निकाल पाएंगे। बिकॉज जो जनरल प्राइस प्रिवेल हो रहा है इकोनॉमी में किसी कमोडिटी का है, जो उसी के अकॉर्डिंगली भी किसी कमोडिटी का प्राइस भी डिसाइड होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज नेशनल इनकम किसी कंट्री की अगर हमें निकालनी है, तो वो बेसिकली क्या है, हर एक इंडिविजुअल की जो इनकम होती है उसका एग्रीगेट हम निकालते हैं, वही नेशनल इनकम होती है। तो नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज द सम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ कंट्री। नंबर टू, एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी सिर्फ तभी निकल सकती है जब आप इंडिविजुअल हाउसहोल्ड की डिमांड आपको पता हो। तो एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड ऑफ इकोनॉमी। तो इसलिए ये दोनों इकोनॉमीज, माइक्रो एंड मैक्रो, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो फुल इकोनॉमिक्स का किया, जिसमें मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, देन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो आपके होंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड PPF। होपफुली आपका फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बिकॉज जिससे आपकी कोई क्लास मिस ना हो और आप अपडेट रहें। थैंक यू।